लोहे दी नाली। एक नाल मीन्स नली। जेड़े पशु ने जदों उन्होंने कोई दवाई देनी होंगी है तो वह नली विच भर के उन्होंने नस राही दी जाती है, ठीक है, पिछों फूक मारी दी है ता जो सारी दवाई अंदर चले जाए, उन्हें भी कहते हैं नाल। नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट है पक्का, कच्चा दा विरोधी, कच्चा दा विरोधी पक्का, ठीक है। देन पक्का होना, मजबूत, वेरी गुड, मजबूत। नेक्स्ट पूरा, पक्का इरादा, पूरा इरादा। देन पक्का पता, ठीक है, पूरा पता, इरादा। एक हुंदा ना उतरन वाला, ये वो कच्चा दा पक्का ची आ जाना, ठीक है। एक कच्चा दा पक्का भी सब्जी दा पक जाना, फसलां पक गई हैं, ठीक है, कच्चियां नहीं हैं, पक गई हैं। ये सूट दा रंग पक्का है, ना उतरन वाला, ना उतरन वाला। इस पगड़ी दा रंग पक्का है, पक्का रंग। उसने पक्का इरादा कर लिया है कि वह बाहर जाएगा। उसने पक्का इरादा कर लिया कि पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा। मैनू उसे घर का पक्का पता, मैं उसे घर का पक्का पता जानता हाँ, पूरा पता। नेक्स्ट वर्ड इज पूरा। पूरा, पूरा मीन्स दुनिया तो चले जाना। रात नूं उन्हां दे दादा जी पूरे हो गए, खत्म हो जाना। पूरा मीन्स मुकम्मल। सियाने बच्चे समय सिर अपना काम पूरा करते हैं। पूरा मीन्स मुकम्मल, पूरा मीन्स पक्का। पक्का भी हो सकता है, पूरा मीन्स भरिया भी, गिलास पूरा पूरा भरिया है, जग पूरा पानी नाल भरिया है। पूरा मीन्स नको नक। पक्का, मैनू इस घर का पूरा पता दसो, इस ठिकाने का पूरा पता दसो, पक्का पता, ठीक है। जिवें पक्का च भी लिखा सी पूरा, पूरा च भी की लिखांगे, पक्का, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वर्ड इज पट। पट मीन्स शरीर का अंग, जिन्हों थाइस कहते ने। ज्यादा एक्सरसाइज करने नाल, कसरत नाल मेरे पट दुख रहे हैं। पट मीन शरीर का अंग। पट मीन्स बिगड़ना। अजकल बच्चे फैशन ने पट ले हैं। पट मीन्स रेशम का धागा। पट मीन्स बिगड़ना, रेशम का धागा। पट ते सड़क, सड़क पट्टी गई है, हां जी। पटना मीन्स पुटना, वेरी गुड। सड़क पट्टी, सड़क पट्टी हुई है, टोआ होया है, टोआ नहीं कहते एग्जैक्ट वर्ड, तोड़ना, पुटना, पुटना वर्ड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फुट। फुट, फुट मीन्स एकता का ओपोजिट, वैर। जमीन जायदाद पिछे चाचे ताया विच फुट पै गई। फुट मीन्स, फुट मीन्स खराब। दुध फुट गया है, इसका पनीर बनाओ। फुट मीन्स उगना, उगना, उगना मीन्स पैदा होना। कपाह दे फुल फुट पे हैं। फुट मीन्स उगना, वो फुट्टा होंदा है, फुट्टा। हां जी, किन्ने फुट, माप, माप, उसका कद किन्ने फुट उच्चा है,
माप माप जा मिंती उसका कद 4 फुट 2 इंच है, 5 फुट 3 इंच है। फुट मीन्स माप, आपसी झगड़ा। फुट मीन्स वैर विरोध। फुट मीन्स फुटना उगना। ठीक है बच्चे, टेबल बना के लिख लो। नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट वर्ड लिखो बेटे, फुल। फुल मीन्स पुष्प। पुष्प पुष्प मीन्स फ्लावर, जिन्हू कहते हैं पौधा नहीं कह सकते, पौधा थोड़ी होंदा। फुल बूटे, फुल बूटे वर्ड कहने आपां, भिन्न भिन्न अर्थ। फुल पौधे, पौधे अलग वर्ड है। फुल मीन्स पुष्प कहने दा मीनिंग। नेक्स्ट है, फुल दा मतलब है सब्जी दा फुल, गोभी दा फुल। ठीक है, हंकार जाना, फुलना। फुल दा मतलब हंकार, चार पैसे की आए हैं फुलिया फिरदा, किसे ना सिद्धे मुंह गल ही नहीं करदा, पानी पी पी के उसका पेट फुलिया पिया भर गया। फुलना, फुल मीन्स पुष्प मीन्स गुलाब दा फुल, बाग दी शान है। फुल मीन्स हल्का, वो तो हल्का फुल है। ठीक है, ओदा तां वेट ही कुछ नहीं है, वजन ही कुछ नहीं है, तो हल्का फुल है। बोरी तो तुसी ओदा ही चुक लेनी है, हल्की फुल है। ठीक है, हल्का, हल्का मीन्स घट वेट, घट वजन। हल्का दा मतलब है घट वजन। किसी दे माइंड कोई अच्छा विचार आंदा ना, सारे नाल शेयर करिया करो। मोटा, खा खा के किद्दा फुलिया पिया है, कोई काम ही नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फुल दा होर वर्ड देखो, नोट करो। जड़िया, जदों कोई इंसान मर जांदा ओदियां अस्थियां नूं भी फुल कहिंदे ने। ठीक है, फुल तारन लई जांदे ने फिर कीर्तपुर साहिब, गोइंदवाल साहिब है ना, किसे तार जिथे भी हरिद्वार। ठीक है, अस्थियां, फुल दा है अस्थियां। नेक्स्ट लिखो बेटे, फूक। फूक हवा, फूक दा है हवा। हवा मीन जेड़े टायर दे विचों फूक निकली हुई है, कार दे टायर विच फूक भरन वाली है। एक फूक मीन खुशामत, ओनू थोड़ी जी फूक दियो बच्चों, खुशामत, चापलूसी। बच्चों थोड़ी जी फूक देने की गल है, ता काम करते है। फूक का मतलब खुशामत जा चापलूसी। फूक मीन्स हवा। दैन फूक मीन्स साड़ना, साड़ना। जिवें कल रावण दे पुतले नू फूकिया गया है, दुसहरे वाले दिन रावण दे पुतले नू फूकिया जांदा है। फुकिया मीन साड़िया जांदा है। नेक्स्ट है, फूक मारनी, हवा देनी। पशुआं नू दवाई देन लई नली विच फूक मारनी पैंदी है। एक हुंदा बोली जे गल करना, पता नहीं उन्हें कन्न च की फूक मारी, ओदा इरादा ही बदल गया। फूक मारी की गल कही है, जिन्हों कहने ना मरमरिंग जी करनी। फूक मारनी मीन्स कोई हौली जे गल करनी, वो पता नहीं गल कन्न विच की फूक मार के गया, ओदा इरादा ही बदल गया। क्लियर है बच्चे, 10 हो गए बेटे। चलो हुन बी रेडी फॉर टेस्ट। यस बेटे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ग्रुप च देखो, टेस्ट में सेंड कर दिया। तुसी एक पेज ते करेक्ट ऑप्शन लिख के बेटे तुसी मैनू आंसर सेंड करने हैं।
करना है। सोच समझ के एक कोई ऑप्शन हो, करेक्ट ऑप्शन हो, टिक करो। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टेस्ट जेड़ा होएगा अगली बुक जो होना है, वन की बुक जो कुल्फी कहानी ते जफरनामा ही कहानी ते वो आर्थिक शब्द यस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स you are doing your test, yes bete, okay, bhumika online hai, harjot, jaiditya, keshav, palra, tripti, sajal, ट्वेंटी फोर ऑफलाइन स्टूडेंट प्रेजेंट है, ऑनलाइन सिक्स स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। यस बेटे बी क्विक, और आज का होमवर्क है तोड़ा वो आर्थिक शब्द अच्छी तरह रिवाइज कर लो, तोड़ा एक टॉपिक नहीं प्रिपेयर जो मैं ऑब्जर्व किया वो आर्थिक शब्द तोड़े नहीं प्रिपेयर, रीड कर लो बेटे अच्छी तरह, वो आर्थिक शब्द अच्छी तरह रीड करने हैं बेटे, टेबल बना के रीडिंग करो ता लर्न होने हैं वो आर्थिक शब्द तुम्हें। यस, और क्वेश्चन ले आओ बोलो, बी सेट ए सेट थर्ड क्वेश्चन इज असि खत्ते बहुत मामदे अंक ना आपको कंप्लीट करनी है लाइन लाइन आपे पढ़ो ना सही मासी शब्द चुनो मी तो छत पर रूम में तत्ता गरम करेक्ट ऑप्शन नो टिक करना है सोच समझ के समासी शब्द भी ध्यान नाल करने हैं बी क्विक बेटे बच्चे डू योर टेस्ट ऑनेस्टली यस बच्चे डन।